किसान भैया नमस्कार। किसान भाइयों, मैंने 20 तारीख को एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने भिंडी के बीजों को प्रोट्रे में जर्मिनेशन करने के लिए एयर टाइट पैक किया था पॉलीथीन से। मैंने उस वीडियो में आपको बीज गिराते हुए और उसके बाद किस तरीके से पानी देना और इसे किस तरीके से कवर करना है, ये सारी बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी जो मैंने 20 तारीख को अपलोड किया है अपने चैनल पे। तो देखिए, आज पांचवें दिन मैंने इस पॉलीथीन को हटाया है और इसमें देखिए भिंडी के बीजों का जर्मिनेशन कितना अच्छा हुआ है। जो आप लोगों को कहीं कहीं खाली दिख रहे हैं उनमें भी जर्मिनेशन हो चुका है। आगे देखिए वीडियो में उसको हटा के मैं दिखाता हूँ। इस तरीके से कवर करने में ठंड में भी बीजों का जर्मिनेशन देखिए कितना अच्छा हुआ, जबकि आज 25 जनवरी है। अब मैंने इसे 20 तारीख को अपलोड किया था और 19 तारीख की शाम को मैंने इन बीजों को गिराया था इन प्रो ट्रे में कोकोपीट के साथ। तो आज आप देख सकते हैं इनका जर्मिनेशन कितना अच्छा हुआ। तो किसान भाई, आप ठंड में भी यानी जनवरी के माह में भी, मैंने तो इसे 19 जनवरी के दिन गिराया था, आप इसे फर्स्ट वीक यानी जनवरी के फर्स्ट वीक में भी गिरा सकते हैं। सेम तरीका रहेगा, इसका जर्मिनेशन बिल्कुल अच्छा होता है, 100% होता है। इसमें कोई बीज ऐसा कोई बीज नहीं होता जिनका जर्मिनेशन ना हो, यानी हर बीज का जमाव बहुत अच्छा होता है। आप लोग भी ठंड में भी इस तरीके को अपना कर अगेती भिंडी की खेती कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि देखिए, मैं इनको हटा के दिखाता हूँ, यहाँ पे भी जर्मिनेशन सारे पौधे निकल रहे हैं, यानी क्या जर्मिनेशन देखिए कितना अच्छा हुआ है। ये पांचवें दिन ही है भिंडी के बीजों को गिराए हुए, जबकि इसे पहले नहीं भिगोया गया था। गिराते समय इसे जो बीजों को 8 घंटे या 10 घंटे भिगोने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप कोकोपीट में इन बीजों को डालकर या प्रोट्रे को ढक देते हैं तो इनका जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होता है, बहुत जल्दी होता है। तो किसान भाई, इस तरीके से आप भी अपने किसी भी बीज को, मैं भिंडी के बीज की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी बीज को इसी तरीके से ठंड में भी अच्छा जमाव ले सकते हैं। तो किसान भाई, इस तरीके का यूज करें और कोई भी सब्जी हो उसको अगेती सब्जी के रूप में खेती कर सकते हैं, जिससे कि आपको अधिक लाभ हो।